हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल वेलकम इन सर्च में ऑल इन वन दुनिया। आपका आप ही के चैनल में स्वागत है जी। तो आज हम बात करेंगे भैरव यूनिवर्सिटी के बारे में, जो कि एक स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, सोलन हिमाचल प्रदेश की है। और अकॉर्डिंग टू UGC ये 2011 में इस्टेब्लिश हुई, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। एड्रेस वगैरह इसका दिया हुआ है जी। तो आज इस यूनिवर्सिटी के बारे में चर्चा करेंगे कि किस तरह की यूनिवर्सिटी, क्या क्या कोर्स करवाती है, और फीस स्ट्रक्चर अदर डिटेल के बारे में जानेंगे और आपको बताएंगे जी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कुछ बेसिक डिटेल। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि ये जो वीडियो है वो एजुकेशनल या इंफॉर्मेशन पर्पज से है। अगर आप इस यूनिवर्सिटी में ज्वाइन होते हो एज ए फैकल्टी या फिर एज ए स्टूडेंट, तो जो भी यूनिवर्सिटी के टर्म एंड कंडीशन है उनको फॉलो अप करके आप कंटिन्यू कर सकते हैं जी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं यूनिवर्सिटी के बारे में बेसिक डिटेल। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा, आप देख रहे होंगे कि यूनिवर्सिटी के बारे में, और ऊपर सोशल लिंक दिए गए हैं जिससे आप डायरेक्ट कनेक्ट होकर जो भी डिटेल अगर आप लेना चाहो तो आप ले सकते हैं। फिर उसके बाद न्यूज़ है, और फिर यूनिवर्सिटी के बारे में एकेडमिक प्रोग्राम, फैकल्टी, एडमिशन, एकेडमिक प्रोसेस, अबाउट अस, इंटरनेशनल, IQAC प्लेसमेंट, न्यूज़ एंड इवेंट, करियर, रिसर्च, लाइब्रेरी, कैंपस, ऑल अप्रूवल, स्टूडेंट कॉर्नर और कॉन्टेक्टर्स। फिर उसके बाद है एडमिशन से रिलेटेड टोल फ्री नंबर यहाँ पे दिया गया है, फिर आप वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। फिर एडमिशन ओपन 2023 इंक्वायरी फॉरम यहाँ पे दिया गया है, इस पे आप आके यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है लगभग अप्रोक्सीमेटली 2,50,000 एप्लीकेंट चूज बेहद यूनिवर्सिटी इन CUET 2023। स्कॉलरशिप बेस्ड और रिक्रूटर विजिटर कितने हैं तो उसके बारे में बताइए। रिक्रूटर विजिटर 1,025 प्लस, और एलुमिनी 100K प्लस, और 50+ कोर्सेज एज पर NEP, और हाईएस्ट पैकेज 50 लाख पर एनुअल, और स्कॉलरशिप 10 करोड़ प्लस। तो ये सब यहाँ पे बताया गया है, आप डिटेल चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप नीचे आओगे तो अप्रूवल और एक्रेडिटेशन का दिया गया है। UGC AIU की मेंबरशिप है और भी बाकी कुछ दिया गया है। फिर एक्सप्लोर द प्रोग्राम, UGPG डॉक्टरेट प्रोग्राम, स्कॉलरशिप एंड कंसेशन, तो यहाँ पे ये सब दिया गया है कि 90% ट्यूशन फीस वेव, 50% ट्यूशन फीस वेव एंड 25% ट्यूशन फीस वेव, किस बेस पर है ये सब दिया गया है। फिर प्राउड एलुमिनी के बेस पर, और गवर्नमेंट सेक्टर जो सेक्टर है उसके कुछ फैसिलिटी, टॉप रिक्रूटर्स उनके बारे में बताया गया। इंटरनेशनल टाई अप किन किन के साथ है, इंटरनेशनली टाई अप, तो उनके बारे में डिटेल दी गई है। फिर उसके बाद रिसेंट इवेंट, तो जो इवेंट हुए रिसेंट उनके बारे में है। फिर चांसलर, जो चांसलर है वो S. गुरविंदर सिंह बेहरा, जो चांसलर है उनके बारे में ये बताया गया है। और फिर बी ए पार्ट ऑफ लीगेसी, और यहाँ पे नीचे आप आओगे फोटो में यूनिवर्सिटी का नेम, एड्रेस, ऑफिशियल नंबर, ऑफिशियल ईमेल एड्रेस,
फिर कोई के लिंक हमें इंटरनल कमेटी के लिंक्स थिंग्स दिए गए हैं, ये आप चेकआउट कर सकते हैं। ये था होम पेज जिसके बारे में आपको बताया। और जी तो हमने कुछ पॉइंट ओपन किए जी, तो जैसे यहाँ पे है, अगर अप्लाई नाउ पे, यहाँ पे आप इंक्वायरी फॉर्म भर के जो भी एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। रैंक वन इन हिमाचल प्रदेश बाय सिलिकॉन वैली, रैंक थ्री में एमर्जिंग यूनिवर्सिटी, और 25 एकड़ में ये पहला कैंपस है, 1 लाख+ एलुमिनी नेटवर्क, 1025+ रिक्रूटर विजिटर, और अप्रूवल UGC BCA PCA और स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूव्ड, फार्मेसी से PCA। रिवार्डिंग, और यहाँ पर डिपार्टमेंट के बारे में डिटेल दी गई है, स्कॉलरशिप के बारे में और कितनी दूर है उसके बारे में यहाँ पे बताया। यहाँ पे स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, बेसिक साइंस, फार्मेसी, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म, फिजियोथेरेपी, लॉ, आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज। और यहाँ पे आके आप अप्लाई कर सकते हो, जो भी एडमिशन कंटिन्यू प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। जी तो आगे हम चलते हैं एकेडमिक में, कौन कौन से, जैसे अभी आपको एकेडमिक बताए, डिपार्टमेंट, स्कूल, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, फिजियोथेरेपी, लॉ, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म, फार्मेसी, फॉरेंसिक साइंस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और बेसिक साइंस। मान लो अगर हम लॉ ओपन करते हैं तो लॉ से रिलेटेड यहाँ पे डिटेल दी गई है, तो आप यहाँ चेकआउट कर सकते हो। अगर कोई अनदर ओपन करें इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जी तो यहाँ पे है, ये डिटेल दी गई है आप, और फाइंड कोर्स, अगर कोर्स फाइंड करना है तो नोट फाउंड दिखा दिया है। उसके बाद एकेडमिक इंफॉर्मेशन, जहाँ पे रेगुलेशन, कैलेंडर और एग्जामिनेशन, ऊपर आप कोर्सेज के बारे में चेकआउट कर सकते हो, जैसे मैनेजमेंट का रहा तो कोर्सेज के बारे में बेसिक डिटेल दी गई है, तो यहाँ पे आप आके चेकआउट कर सकते हो या अप्लाई कर सकते हो। फिर उसके बाद जो भी रेगुलेशन है, कैलेंडर है या एग्जामिनेशन शेड्यूल है, अगर वो आपने चेकआउट करना है कि कब है एग्ज़ाम या कब हुए हैं, तो उनके डिटेल आप यहाँ पे दे सकते हो। फिर UG PG और डॉक्टरेट कोर्सेज के लिए यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे बी फार्म है, कितने साल का है, किसके बाद होता है, BA+ NLB कितने साल का है, किसके बाद होता है, BCom कितने साल का है, किसके बाद होता है, किन किन सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन है, वो सब यहाँ पे दिया गया है। और ऐसे BSc है तो ये कहाँ होता है, ये सब यहाँ पे है। फिर उसके बाद पोस्ट, जैसे पोस्ट है, ये स्पेशलाइजेशन है, इतने साल का है, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है। और यहाँ पे भी प्रोग्राम 2 ईयर का है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये सब यहाँ पे दिया गया है, आप चेकआउट कर सकते हो। फिर फैकल्टी के बारे में, स्कूल ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड मैनेजमेंट, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, स्कूल ऑफ फॉरेंसिक साइंस, स्कूल ऑफ बेसिक साइंस, फार्मेसी, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, स्कूल ऑफ फिजियोथेरेपी, स्कूल ऑफ लॉ। अब यहाँ पे स्कूल ऑफ फॉरेंसिक साइंस जो फैकल्टीज हैं उनकी लिस्ट आ गई है, मैनेजमेंट में कौन है तो ये उनकी लिस्ट है, ये आप देख सकते हो। हॉस्पिटैलिटी में मैनेजमेंट में कौन है तो ये उनकी लिस्ट है, ये यहाँ पे आके आप चेकआउट कर सकते हैं। फिर एडमिशन प्रोग्राम में, एडमिशन कैसे है तो ये अभी आपको बताया, तो
कैसे आप एडमिशन ले सकती हैं ये आपको दिखाई दिया है। उसके बाद है ई प्रोस्पेक्टस। अगर आपको प्रोस्पेक्टस चाहिए या चेकआउट करना है तो यहाँ पर आके आप चेकआउट कर सकते हो। प्रोस्पेक्टस में आप यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट कोर्स डिटेल चेकआउट कर सकते हैं। तो अभी आपको बताया कोर्सेज के बारे में। फिर प्रोग्राम फीस, अगर फीस डिटेल देखनी है तो यहाँ पे आके आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे ये फीस डिटेल है कोर्स वाइज कि सेमेस्टरली फीस कितनी रहेगी। जैसे बीपीटी है तो इसकी लगभग 41,000 पर सेमेस्टर है, 9 सेमेस्टर इसके रहेंगे, ये आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे हुआ। उसके बाद है एकेडमिक प्रोसेस, टीचिंग वर्कशॉप, तो यहाँ पे ये बताया गया है। उसके बाद है इंडस्ट्री लिंकेज। फिर है समर टर्म। टीचिंग एंड इवेल्यूशन, इन्वेस्टिगेशन, फिर रजिस्ट्रेशन। तो ये है रिक्वायरमेंट क्या है, किस बेस पे करेंगे, तो उनका प्रोसीजर क्या है, तो ये आप पढ़ सकते हो, गाइडलाइंस दी गई हैं सभी की। जी तो ये गाइडलाइंस सभी की दी गई हैं। फिर ग्रेजुएशन रिक्वायरमेंट, फिर ग्रेड एंड रिपोर्ट, फिर तो फ्लेक्सिबल ऑफर्ड, कौन कौन से फ्लेक्सिबल या ऑफर्ड की गई है, तो यहाँ पे यह दिया गया है। उसके बाद डिग्री विद स्पेशलाइजेशन एंड अनफेयर मीन्स एंड मैलप्रैक्टिस, तो ये सब यहाँ पे दिए गए हैं। तो अबाउट अस में विजन, मिशन, चांसलर मैसेज, जी तो ये चांसलर हैं, तो मिस्टर एस गोविंदर सिंह जी, और उनके बाद वाइस चांसलर की बात करें तो डॉक्टर विजय कुमार शर्मा जी हैं। एकेडमिक काउंसिल, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में कौन कौन है, तो यहाँ पे हालांकि लिस्ट नहीं दी हुई। प्लानिंग बोर्ड कुछ नहीं है। अबाउट यूनिवर्सिटी, जी तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ बेसिक डिटेल बताई गई है। अबाउट ग्रुप, जी तो यहाँ पे ये ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। फिर उसके बाद है इंटरनेशनल सेंटर, तो उसके बाद यहाँ पे हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करें, और स्टूडेंट तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है, किस बेस पे क्या कंडीशन रहेगी, ये आप रीड आउट करके अप्लाई कर सकते हो। और स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन चाहिए, प्री अराइवल इन्फॉर्मेशन या पोस्ट अराइवल, तो
प्री अराइवल इंफॉर्मेशन ये थी और पोस्ट अराइवल उससे पहले, तो यहाँ पे आने से पहले या तो क्या क्या थिंग्स है जो ज़रूरी है, तो यहाँ पे आप आके पढ़ सकते हैं IQAC इंटरनल कमेटी का कि क्या एम्स है, ऑब्जेक्टिव है, स्ट्रेटेजीज है, फंक्शन, बेनिफिट, उसके बाद कंपोजिशन, NIRF एंड NAC, तो ये सब यहाँ पे दिए गए हैं। फिर है प्लेसमेंट, तो प्लेसमेंट के बारे में आप यहाँ पे डिटेल लेना चाहो तो डिटेल चेकआउट कर सकते हो, हालांकि ये ओपन नहीं हो रहा। उसके बाद है न्यूज़ एंड इवेंट, लेटेस्ट न्यूज़, अगर यूनिवर्सिटी के बारे में न्यूज़ जाननी है, रिसेंट इवेंट कौन कौन से हुए उसके बारे में जानना है यहाँ पे है, अपकमिंग इवेंट कौन से होने हैं तो इसके बारे में, उसके बाद मैगजीन वगैरह ये आप देख सकते हो। करियर, अगर यूनिवर्सिटी में आप फैकल्टी या नॉन फैकल्टी पदों पर ज्वाइन करना चाहते हो तो यहाँ पे आके आप चेकआउट कर सकते हैं जी, तो यहाँ पे अवेलेबल है। फिर रिसर्च, रिसर्च का ओवरव्यू कि रिसर्च के बारे में यहाँ पे पूरी डिटेल आपको मिलेगी, तो पढ़ सकते हो। मेजर गोल, की हाईलाइट, अबाउट डीन, अबाउट रिसर्च सेल जी, तो जो रिसर्च सेल मेंबर है वो डॉक्टर अभिलाषा जी हैं और डीन रिसर्च यहाँ पे दिए हुए हैं डॉक्टर श्रीपाद जी, मार्कंडे जी, तो यहाँ पे उनके डिटेल दी गई हैं। फिर उसके बाद कॉपीराइट, पेटेंट, पब्लिकेशन या बुक चैप्टर, इनके बारे में डिटेल चाहिए तो आप रिसर्च कॉलम में आके ले सकते हैं। फिर है लाइब्रेरी, लाइब्रेरी से रिलेटेड यहाँ पे डिटेल दी गई है, इनका अलग से पेज बनाया हुआ है, तो लाइब्रेरी, फिर इंट्रोडक्शन, लाइब्रेरी सेक्शन, फिर लाइब्रेरी रूल्स, हाउ टू गेट बुक्स, कैसे आप बुक ले सकते हो, फ्री रिसोर्सेज, हाउ टू गेट ऑनलाइन रिसोर्सेज, स्टाफ कनेक्ट, लाइब्रेरी स्टैट, एडवाइजरी कमेटी और प्रिंटेड पीरियोडिकल एंड मैगजीन, तो उनके बारे में ये है, तो आप यहाँ पे आके चेकआउट कर सकते हैं। फिर कैंपस, कैंपस की क्या लाइफ है, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, तो उनके यहाँ बारे में यहाँ पे बताया गया है। फिर उसके बाद है हॉस्टल लाइफ, की हॉस्टल की क्या लाइफ है, क्या क्या बेनिफिट हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे है। फिर अप्रूवल, अप्रूवल यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि BCA स्टेट एक्ट यूनिवर्सिटी, BU एक्ट, HP नोटिफिकेशन, PCI है और फीस स्ट्रक्चर, ये सभी यहाँ पे दिए गए हैं, आप चेकआउट कर सकते हो। स्टूडेंट कॉर्नर, अप्रूवल, फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया है। स्टूडेंट वेलफेयर जी, तो उसके बाद है हॉस्टल रूल्स, क्या क्या रूल्स हैं हॉस्टल की, और उसके बाद है यहाँ पे स्टूडेंट एक्टिविटी, स्पोर्ट, कल्चर और टेक्निकल एक्टिविटी जो यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोवाइड की जाती है, तो वो यहाँ पे आके आप चेकआउट कर सकते हो। हालांकि यहाँ पे इंफॉर्मेशन बहुत कम दी गई है, कॉलम ज़्यादा थे। और उसके बाद है कॉन्टेक्टस, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी का इंक्वायरी फॉर्म आप भर सकते हैं, हाउ टू रीच, कैसे आप एयरपोर्ट से, बस स्टैंड से, रेलवे स्टेशन से आ सकते हो, कितनी दूर रहेगा, तो ये सब यहाँ पे बताया गया है। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी का एड्रेस पूरा, फिर यहाँ पे लिंक वगैरह दिए गए हैं, एलुमिनी एडमिशन इंक्वायरी अगर आपने करनी है, जी, तो फिर यहाँ पे BU एक्ट एंड अमेंडमेंट जो भी हुई, फिर इंफॉर्मेशन ऑफ PhD स्कॉलर, तो ये थी बेसिक डिटेल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। होप सो ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर सकते हैं, अगर इस तरह की वीडियो और चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही था, थैंक यू फॉर वॉचिंग।